क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो हम सब में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार दूसरी है, ये दूसरा चमत्कार इस बार, क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली पढ़ ली है, अब हमने पढ़ने जा रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है ना। उसके बाद डिविजन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर एंड करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ A upon B and C upon D, अगर आपके दो रेशनल नंबर है और इन दोनों ही रेशनल नंबर को अगर आपस में लड़ा दे, मतलब प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 5 upon 6 into minus 3 upon 4, तो देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है आपका, माइनस 3 अपॉन 4, तो ये कट रहा है ना आपका 2 टाइम, बस क्या बच गया, माइनस 5 अपॉन 8। इसका मतलब आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी। सेकंड बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भैया a अपॉन b एंड c अपॉन d, अगर आप दो रेशनल नंबर ले रहे हो तो क्या a अपॉन b इनटू c अपॉन d इक्वल टू c अपॉन d इनटू a अपॉन b क्या बराबर होगी? अगर बराबर होगी तो अप्लाई होगी, अगर नहीं होगी तो अप्लाई नहीं होगी। तो इधर देखो ध्यान से, 3 से ये कट रहा है ना 3 टाइम, तो ये क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 21। इधर भी ये 3 कट रहा है, 3 से कट रहा है 3 टाइम, तो ये इधर भी क्या आ गया, माइनस का 2 अपॉन 21। अरे वाह, दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट अपन करेंगे, देखो बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर a upon b, c upon d, e upon f, अगर आपके तीन रेशनल नंबर है तो क्या ये अप्लाई होगा क्या? देखो एक बार दो को मल्टीप्लाई कर दिया तीसरे से, फिर एक बार एक को अलग ले लिया, फिर दो को अलग ले लिया, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एक कोई उदाहरण लेते हैं ना, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। पुष्पा का डायलॉग याद होगा अभी सबको, क्योंकि आप प्रैक्टिकल देख के आए, तीन बार तो मैं देख आया, 2 upon 5 into minus 1 upon 3 into minus 7 upon 11। अब आप कहोगे सर एक बार में समझ में नहीं आया क्या? अरे ऐसा नहीं है, मित्र ले गए थे हमारे लोग, चलो हमारे साथ भी चलो एक बार। तो देखो 2 upon 5 minus 1 upon 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, minus 2 upon 15 into minus 7 upon 11, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर तो क्या आ रहा है, 14 upon 165, minus minus plus, plus का 7 upon 33, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 33, तो ये भी हो जाएगा 14 अपॉन 165, तो इक्वल हो रहा ना दोनों, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी। देखो नेक्स्ट है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, a अपॉन b इंटू 1, किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 इंटू a अपॉन b इक्वल टू a अपॉन b, तो एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस 9 अपॉन 11 इंटू 1, तो ये क्या आएगा, माइनस 9 अपॉन 11 ही आएगा, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस 9 अपॉन 11, और ये तो 9 अपॉन 11 ही है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी इसके अंदर अप्लाई होगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या आप उसको इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात एक ही है, समझ रहे हो ना, सीआईडी एसीपी प्रद्युमन। तो ये हो जाएगा, इफ ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, अगर ए अपॉन बी अगर आपका रेशनल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर बी अपॉन ए, ये इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। हम एक्सरसाइज 1.1 में ये पढ़ेंगे, देखना तो ध्यान से देखो, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू 1, तो देखो माइनस 2 अपॉन 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एडिटिव इनवर्स में आपकी डिजिट नो चेंज, सिंबल चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंबल चेंज नहीं होता, डिजिट ही चेंज हो जाती है। जैसे माइनस 2 अपॉन 5 है ना, तो इसको रिवर्स कर दिया, या इनवर्स या रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस 5.2, तो माइनस माइनस तो प्लस है ना, तो ये कितना हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट जीरो प्रॉपर्टी, अगर a अपॉन b रेशनल नंबर को अगर किसी जीरो से मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा, देखो a अपॉन b इनटू 0, 0 इनटू a अपॉन b इक्वल टू 0, तो देखो एक एग्जांपल लो, 3 अपॉन 4 इनटू 0 क्या आएगा, 0,
जीरो इंटू थ्री अपॉन फोर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई हो रही है। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। देखो दोनों दो कंडीशन में आपको समझा देता हूं, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड करेंगे, लास्ट आपको डिविजन समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन कहती है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ है अगर आपका, तो एक बार ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है आपको, ठीक है। चेंजेस दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस आ गया बस। तो ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, तो एक बार ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लास्ट कंडीशन थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की। अब हम करेंगे डिविजन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन की। मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं आपको ना बहुत ज्यादा डीपली समझा रहा हूँ, आपकी बुक में तो बस है ना छोटे छोटे से लिख दिया है ना और खत्म कर रखा है। मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझा रहा हूँ, बिकॉज हम सब क्या है, एक परिवार है मित्रों। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी इक्वल टू, तो ये देखो जब इक्वल टू होगा तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, डी अपॉन सी हो जाएगा। तो क्या डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आपकी है ना ये अप्लाई होगी क्या रेशनल नंबर में, तो देखते हैं एक बार। ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 8 है ना, और ये हो रहा है आपका 7 अपॉन 8, तो ये कट के देखो सीधा सीधा आपका ये आ रहा है ना 5 अपॉन माइनस 3, तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है आपका माइनस 35 अपॉन 24। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो आपकी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी है ना इक्वल टू सी अपॉन डी डिवाइड ए अपॉन बी, तो क्या ये आपका अप्लाई हो रहा है क्या। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, 3 अपॉन 5 है ना, 3 अपॉन 5 इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 4, और ये है माइनस 4 अपॉन 7, इसको भी उल्टा कर दो 5 अपॉन 3। भाई जब डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन करने पर ऐसे पोकल होगा ना, तो देखो इसको सॉल्व करो ये कितना आ रहा है आपका माइनस 21 अपॉन 20, दिख रहा है ना, और इधर कितना आ रहा है माइनस 20 अपॉन 21, ये लो ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस 21 अपॉन 20 और 20 अपॉन माइनस 21, तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू होगा ना आपका, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिविजन में अप्लाई होगी क्या। ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी, इन दोनों को सोल्व करने के बाद इसमें डिवाइड करो ई अपॉन एफ से, ए अपॉन बी को अलग ले लिया डिवाइड सी अपॉन डी डिवाइड ई अपॉन एफ। एक एग्जांपल लेते हैं 3 अपॉन 8 डिवाइड 2 अपॉन 7 डिवाइड 5.6, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 8 डिवाइड 2 अपॉन 7 डिवाइड 5.6, तो क्या आपका ये किसी भी अंदाज में इक्वल होगा क्या। पहले इसको सॉल्व करो फिर इसमें डिवाइड करो, पहले इसको सॉल्व करो है ना फिर इसमें इससे डिवाइड कर दो, ये किसी भी एंगल में इक्वल नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई नहीं होगी। प्रॉपर्टी ऑफ वन मतलब फॉर ऑल रेशनल नंबर, जैसे ए अपॉन बी में डिवाइड करो वन, या फिर वन में डिवाइड करो ए अपॉन बी से, तो क्या ये सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। देखो ये तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन 2 बन जाएगा, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई नहीं होगी। साला ये डिविजन ही आपका मनहूस है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन का आपका एक और है लास्ट, बस नंबर बाय इटसेल्फ, अगर जो नंबर है उसी नंबर को उससे से डिवाइड कर दो, तो ए अपॉन बी को डिवाइड करो ए अपॉन बी से, तो वन ही आएगा आपका। तो 2 अपॉन 3 को अगर 2 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो इनवर्स कर दो, तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, कट कुटा के वन ही आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी है ना अप्लाई करेगी। चलो सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन फिक्स से आपका आएगा कि दो रेशनल नंबर दे देंगे और उनके बीच में एक कोई रेशनल नंबर निकलाएंगे, या तो सिंगल निकलवाएंगे या फिर ऐसे बोल देंगे कि इनके बीच में कोई 3 रेशनल नंबर निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अल्टरनेट मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स है ना, तो देखो अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको कोई एक रेशनल नंबर निकलवाए है ना, या फिर ज्यादा भी निकलवाए, तो भी आप इससे निकाल सकते हो। एक ये ना फॉर्मूला है आपका, और इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं। x and y are any two rational number है ना, x less than y है, तो
एक्स प्लस वाई अपॉन टू से, इससे आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे देखो आपको दो रेशनल नंबर गिवन है माइनस टू एंड माइनस टू एंड सिक्स, और ये कह रहा है रेशनल नंबर निकालो। तो क्या करोगे, एक्स हो गया आपका माइनस टू, देखो क्या लिख रखा है एक्स लेस देन वाई से, तो माइनस टू प्लस सिक्स अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा फोर अपॉन टू, तो ये आ गया टू। ठीक है ना, क्लियर है। अब आप इससे ना एक भी रेशनल नंबर भी निकाल सकते हो, दूसरा भी निकाल सकते हो, तीसरा भी निकाल सकते हो। एक तरीका और बताता हूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक है आपका और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख भी लो बलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 200% आएगा, 500% आएगा। रेशनल नंबर बिटवीन, अगर आपको ना दो रेशनल नंबर दे देंगे और उसके बीच में बोलेंगे कि दो रेशनल नंबर निकालो, तीन चार पांच छह जितने भी पूछे उतने, दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो बनती है आपकी अगर आपका डिनोमिनेटर जो अलग है, और एक कंडीशन बनती है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो पहले अलग वाला देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मेरी बातों को ध्यान सुनना, जो भी वर्ड निकलेंगे सारे डायमंड होंगे, तो ध्यान सुनना कि जो भी डिनोमिनेटर आपका है ना, देखो अलग अलग है ना दोनों का, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 1/4 है, इसको तो ऐसे 1/2 है ना, तो इसको भी कर लो आप 1/4 है ना, तो ये क्या हो गया 2/4, और ये हो गया आपका 1/4। क्या कह रहा हूं मैं, आप है ना डिनोमिनेटर सेम कर लो, आप अपना क्या करो डिनोमिनेटर सेम कर लो, सबसे पहला काम अगर अलग अलग है तो। अब आपको कह रहा है कि इसके बीच में और इसके बीच में आपको तीन रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब भी आपको ऐसा कहे ना कि आप इनके बीच में तीन रेशनल नंबर निकालो, चार निकालो, तो अगर आपको तीन कहे तो प्लस वन करके करना है। मतलब जैसे ये 1/4 है और ये 2/4 है, तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो 4 से। अगर यहां पर 5 रेशनल नंबर पूछता तो 6 से करते, अगर 4 पूछता तो 5 से करते, समझ में आया। इसलिए मैंने कहा एक नंबर ज्यादा से सेम जगह मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4/16 और ये हो जाएगा 8/16। तो देखो 4/16 और 8/16 के बीच में आपको तीन रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो क्या हो गया 5/16, एक हो गया 6/16 और एक हो गया 7/16। 100 में से एक या दो बच्चा ऐसा भी करता है कि इनको भी रेशनल नंबर में काउंट करके एक लिख देगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, नहीं बिटवीन कह रहा है, मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच में काउंट निकालने आपको। समझ में आया, वापिस रिकॉल करा रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने रेशनल नंबर पूछ रहा है उससे एक नंबर ज्यादा लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आराम से आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब सीधा सा लॉजिक लगाओ, अगर तीन पूछ रहा है तो चार से करोगे, तीन तो आराम से मिल जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर भाई साहब डिनोमिनेटर सेम हो बहन जी, तो क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे, 5/6 और 7/6 है। देखो मैं यहाँ पर है ना कुछ और ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ मैं, 4 रेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे इसको ना 4 है ना प्लस 1 5 से करोगे। यहां पर तो आपको डिनोमिनेटर सेम ही नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सेम है, तो 25/30 और ये हो जाएगा 35/30। तो देखो इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, 25/30 और ये कितना 35/30। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर देखो कौन कौन से हो जाएंगे, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30। आपको तो ना चार ही पूछ रहा है ना, आगे भी निकल सकते हैं, तो ये हो गया। समझ में आया, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको 4 दे रखा है तो 5 से करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बता रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और पीवीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और सब कुछ कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।